मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा का वफाकी बजट महंगाई को नहीं बढ़ाएगा। माहिरीन का कहना है कि बजट खसारा बढ़ सकता है। कसाद बाजारी के सबब माली हालात खराब हो सकते हैं। 6 कैनेडियन बच्चे शामी जेल का कैंप छोड़कर अपनी मां के बगैर कनाडा जाने के लिए तैयार। बच्चों की उम्रें 3 से 16 साल के दरमियान है। वकला ने कहा कि मां को अपने बच्चों से अलग करना कनाडा के कानून के खिलाफ वर्जी है। कनाडा के गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वाले 2 खानदान रास्ते में हलाक। हलाक अफराद की लाशें क्यूबैक सूबे के सरहदी इलाके में पाई गई। पुलिस की जानिब से वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पेशी से 2 रोज़ कबल डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए अमरीकी आवाम से चंदा देने की अपील। ट्रंप का कहना था कि अमरीका को उनसे आज़ाद करवाकर दोबारा से अजीम मुल्क बनाना है। इससे पहले कभी इतनी हिमायत और मोहब्बत नहीं मिली जितनी अब मिली है। अमरीकी वजीर खारजा और रूसी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगु। एंटोनी ब्लिंकन का अमरीकी सहाफ़ी एवियन ग्रिशकोविच की फौरी रिहाई का मुतालबा। रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीकी सहाफ़ी रंगे हाथों पकड़ा गया। रिहाई का फैसला रूसी अदालत करेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते का वफाकी बजट महंगाई को हवा नहीं देगा, लेकिन इससे बड़ी मौशी कमी पैदा हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते का वफाकी बजट महंगाई को हवा नहीं देगा, लेकिन इससे बड़ी मौशी कमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कसाद बाजारी के उरूज पर है और मुल्क की लागत का बहरान कनाडा के बाशिंदों को निचोड़ रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अहम कटौतियों के बजाय हल तलब इकदाम करे। मंगल को वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से पेश किए गए बजट में हुकूमत की किताबों से अखराजात में $15 बिलियन से ज्यादा की कटौती का वादा किया गया है, लेकिन साथ ही खजा के मौशी बयान के मंसूबों को भी तर्क कर दिया गया है, जिसमें मुतवाजन बजट का नक्शा पेश किया गया है। 2027 से 2028 तक मनफी मंजरनामे में वफाकी खसारे में $43 बिलियन से $14 बिलियन तक कमी का इम्कान है। माहिरीन का कहना था कि अगर खसारे के हजम पर नजर डालें,
जिसका हुकूमत आगे बढ़ने का इरादा कर रही है, तो वो वाकई उस रास्ते के मुकाबले में अफराद ज़र में मवाद शामिल नहीं कर रहे हैं जिस पर हम पहले से थे। माहिरीन का कहना है कि अगर हम कसाद बाजारी में पड़ जाते हैं, जिसके बारे में करीब तरीन मुद्दत में निस्बतन ज्यादा इम्कान है, तो हुकूमत की माली सूरत हाल मजीद खराब होने वाली है। बजट में क्रिस्टिया फ्रीलैंड और हुकूमत ने अफराद ज़र पर ईंधन नहीं डालते हुए जरूरी सरमायाकारी के दरमियान तवाजन कायम करने की कोशिश की, जो फरवरी तक 5.2% रही। खुराक की अफराद ज़र इससे भी ज्यादा है, जो 10.6% पर रही, जो दोहरे हिंसों की कीमतों में मुसलसल सातवें महीने की निशानदेही करता है। 6 कैनेडियन बच्चे शामी जेल का कैंप छोड़कर अपनी मां के बगैर कनाडा जाने के लिए तैयार हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 6 कैनेडियन बच्चे शामी जेल का कैंप छोड़कर अपनी मां के बगैर कनाडा जाने के लिए तैयार हैं, जो उनके साथ नहीं आ सकते क्योंकि वफाकी हुकाम ने उसकी हिफाजत का जायजा मुकम्मल नहीं किया है। वकला का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने क्यूबैक की खातून को आज तक ये फैसला करने का वक्त दिया है कि आया उसके बच्चे वतन वापसी की परवाज में दूसरे कैनेडियनों के साथ शामिल होंगे, जिसकी तवक्को है कि वो अब किसी दिन रवाना होंगे या शाम में उसके साथ रहेंगे। कैनेडियन कुर्द फोर्सेस के जेरे इंतजाम शामी कैंपों में बहुत से गैर मुल्की शहरियों में शामिल हैं, जिन्होंने जंग ज़दा इलाके को शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया इराक़ को शाम से दोबारा हासिल कर लिया। कैनेडियन हुकाम का कहना था कि उन बच्चों की उम्रें जिनकी उम्रें 3 से 16 साल के दरमियान है, 6 बच्चों में से कम अज़ कम 2 शाम में पैदा हुए। क्यूबैक की समाजी खदमत की एजेंसियों का एक मंसूबा है कि वो 6 अफराद को 2 के 3 ग्रुपों में देखभाल में रखे। फेडरल कोर्ट ने शाम में जेर हिरासत मुतअद्दिद मर्दों, खवातीन और बच्चों की जानिब से कहा कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को उनकी वापसी का बंदोबस्त करना चाहिए, ये कहते हुए कि ऐसा करने से इनकार करना हुकूक और आज़ादी के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। वकला ने कहा कि मां को अपने बच्चों से अलग करना कनाडा के बैन अल-अक़वामी वादों के साथ साथ वतन वापसी के मुमकिन मामलात का जायजा लेने के लिए हुकूमत की पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी है। उनका अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कनाडा से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 2 खानदान मुर्दा पाए गए, जिनमें 2 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 2 खानदान मुर्दा पाए गए, जिनमें 2 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जुमेरात को दलदल में से 6 लाशें मिली, फिर दूसरे रोज ही जुमे को 2 लाशें बरामद हुई थी। हलाक शुदगान की लाशें अमेरिका के साथ कनाडा की सरहद के करीब क्यूबैक में दरियाए सेंट लॉरेंस के दलदली इलाके में मिली, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दिल को दहला देने वाला वाकया है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। डिप्टी पुलिस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख्याल किया जाता है कि दोनों खानदानों के अफराद कैनेडा से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाकये से मुतालिक डिप्टी पुलिस चीफ ली एन ओब्रायन ने कहा कि मरने वालों का ताल्लुक 2 खानदानों से था, जिनमें से एक रोमानिया से ताल्लुक रखता था, जिसके पास कैनेडियन पासपोर्ट था, जबकि दूसरा हिंदुस्तानी था। मजीद कहा कि मरने वालों में 3 बरस से कम उम्र का एक बच्चा भी शामिल है। इसके बाद इसी रोज ही 21वें मोहाक पुलिस के सरबराह शॉन डॉल्डे ने कहा कि बाद में बरामद होने वाली 2 लाशों में से एक रोमानिया के खानदान से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चे की है। मौत की वजह जानने के लिए हुकाम पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ही मालूम होगा कि आखिर मौत की वजह क्या थी। हुकाम का कहना है कि हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आइंदा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हों। मस्कूरा हलाकतें अमरीका और कनाडा की जानिब से सरहदी माहदे की तौसी के ऐलान के 1 हफ्ते बाद सामने आई है, जिसमें पनाह हासिल करने के मतलाशी अफराद को मुल्क बदर करने का इख्तियार दिया गया है, जो गैर कानूनी तौर पर सरहद को अबूर करते हैं। याद रहे कि रवां बरस जनवरी में पुलिस ने बताया था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद ने दरियाए सेंट लॉरेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के लिए अमरीकी आवाम से पार्टी को चंदा देने की अपील कर दी और कहा, मुझे इससे पहले कभी इतनी हिमायत और मोहब्बत नहीं मिली जितनी अब मिली है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के लिए अमरीकी आवाम से पार्टी को चंदा देने की अपील कर दी और कहा, मुझे इससे पहले कभी इतनी हिमायत और मोहब्बत नहीं मिली जितनी अब मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बुनियाद परस्त, भत्ता खोर,
बदमाश सियासतदानों और ठग हमारे मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमरीका को उनसे आज़ाद करवा कर दोबारा से अजीम मुल्क बनाना है। तफसीलात के मुताबिक अदालत में पेशी से दो रोज़ कबल साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के लिए अमरीकी आवाम से पार्टी को चंदा देने की अपील कर दी। साबिक सदर का कहना था कि मुझे इससे पहले कभी इतनी हिमायत और मोहब्बत नहीं मिली जितनी अब मिली है। वाज़ेह रहे डोनाल्ड ट्रंप पर मंगल को बाकायदा इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे जहाँ उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे और मुलजिम की हैसियत से उनकी तस्वीर भी खींच कर जारी की जाएगी। ताहम ट्रंप को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ट्रंप की कानूनी टीम ने वाज़ेह किया है कि साबिक सदर इल्ज़ाम का भरपूर दिफा करेंगे। साबिक सदर ट्रंप मैनहट्टन की अदालत में पेश होंगे जिसे उन्होंने कैंगरू कोर्ट का नाम दिया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव को टेलीफोन कॉल में रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में अमरीकी सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव को टेलीफोन कॉल में रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में अमरीकी सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। एंटोनी ब्लिंकन ने अमरीकी सहाफ़ी एवियन ग्रिशकोविच की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जवाब में रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीकी सहाफ़ी रंगे हाथों पकड़ा गया है, रिहाई का फैसला रूसी अदालत करेगी। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया कि दोनों वज़ीर खारजा ने अमरीका रूस सिफारती मिशन के लिए साजगार माहौल बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। इस हवाले से रूसी वजारत खारजा का कहना था कि रूसी वजीर खारजा अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस में गिरफ्तार अमरीकी सहाफ़ी से मुतालिक बातचीत हुई। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी हम मनसब से रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव ने कहा कि अमरीका का सहाफ़ी ग्रिशकोविच केस को सियासी रंग देकर हलचल मचाना नाकाबिल कबूल है। रूस में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी को अमरीका के लिए जासूसी करने के शुबे में जुमेरात को गिरफ्तार किया गया। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।